नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी बहुत बड़ा चुनावी दौर चल रहा है, पांच राज्यों में चुनाव है और पांचों राज्यों में आज चुनाव की डेट भी अनाउंस हो चुकी है कि कब कब चुनाव होंगे। तो इसी दौर में उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। पहले उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती आई थी और अब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जी दोस्तों, ये भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। लिखा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एवं फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में। मतलब कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टेंडर निकाला है कि 26,382 जो पद हैं पुलिस कांस्टेबल के, कौन सी कंपनी इन्हें करवाएगी, इसके लिए ये टेंडर निकाला गया है। और इस टेंडर की ये जो नोटिफिकेशन, ये आज का ही है। जो कंपनी आगे आकर ये लेगी, सरकार उसे देगी और वो कंपनी पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी करवाएगी। तो देख सकते हैं आप, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो तो है 26,382, जिसमें से 26,210 तो है पुलिस की और बाकी 172 है वो है फायरमैन की। तो आप देख सकते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन है। फिर आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एवं फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती 2021 को भरे जाने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम कार्यदायी संस्थाओं को निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु। तो ये सब चीज़ें हमारे काम की तो नहीं है, अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये कंपनियों के लिए टेंडर निकाला है सरकार ने, लेकिन सरकार ने सीधा सीधा ये बता दिया है कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें, फिर है पेपर सीटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो मतलब कि यहाँ देखो, ये लिखा है कि क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक कंटेनिंग 5,000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मतलब कि इसमें कहा गया है कि कम से कम 5,000 क्वेश्चन बना के दें, जो भी कंपनी ये टेंडर लेगी वो कम से कम 5,000 क्वेश्चन बना के दे। और ये देखिए, लिखा है कि अबाउट 20 लाख कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम। मतलब कि सरकार ने यहाँ एक मोटा मोटा अनुमान भी लगा लिया है कि 26,000 से अधिक पदों के लिए कम से कम 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और जो परीक्षा होगी ये OMR बेस होगी और सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा ऑफलाइन होगी। आगे बात करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कंपनी वालों के लिए है जो कंपनी स्टैंडर्ड को लेगी। यहाँ भी वही है, कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल फीमेल, और जो ये फायरमैन की है ना, ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल इसमें नहीं भर सकती है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये सब अपने काम की चीज़ें तो नहीं हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ काम की चीज़ें क्या है। तो दोस्तों, जो टोटल वैकेंसी है ना, टोटल वैकेंसी वो तो है 26,382, ये है टोटल वैकेंसी, जिसमें से 172 हैं फायरमैन के पद। कितने? फायरमैन के। इस फायरमैन में सिर्फ पुरुष भर सकते हैं, महिलाएं नहीं भर सकती। उसके बाद बात की जाए कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांस हैं फरवरी में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फरवरी के शुरू में पूरी उम्मीद है कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दूसरी चीज, जो फॉर्म फीस है वो कितनी होगी? फॉर्म फीस होगी 400 रुपये, 400 रुपये फॉर्म फीस होगी। अब बात की जाए एज लिमिट की, तो आपको मैं बता देता हूँ, एज लिमिट बता देता हूँ, मिनिमम 18 से लेकर 23 साल तक जर्नल वालों के लिए होगी, जर्नल के लिए होगी।
और जनरल में जो महिलाएं हैं उनकी होगी 18 से 26, ये मेल हैं और 18 से 26 जनरल में जो महिलाएं हैं फीमेल उनके लिए। अगर उसके बाद बात की जाए ओबीसी, एससी और एसटी, इनको 5 साल की छूट मिल जाएगी, 5 साल की छूट मिल जाएगी, आरक्षण मिल जाएगा 5 साल का, 5 साल की छूट मिल जाएगी। और फिर आगे बात की जाए, आगे बात करें तो जो योग्यता है, योग्यता योग्यता बात की जाए तो 12th पास होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जिसकी 12th पास हो चुकी हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कितने प्रश्न आएंगे, तो टोटल प्रश्न आएंगे 150, जो 300 नंबर के होंगे, 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक के होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 होगी। जी हाँ दोस्तों, 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑफलाइन फॉर्म, ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका। और अब बात करते हैं इसमें जो जीके है, जीके जनरल नॉलेज, उसके 38 प्रश्न आएंगे, 38 प्रश्न आएंगे 76 नंबर के। फिर है जनरल हिंदी, जनरल हिंदी के 37 प्रश्न आएंगे 74 नंबरों के। उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ, मैथ के आएंगे 38 प्रश्न 76 नंबर के। फिर है अपनी रीजनिंग, रीजनिंग के आएंगे 37 प्रश्न 74 नंबर के। तो ये आप समझ चुके हैं, टोटल प्रश्न आपको बता दिया, टोटल प्रश्न आएंगे 150, जो 300 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और आपको 150 प्रश्न करने के लिए पूरे 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद 85,000 विद्यार्थियों को पास किया जाएगा पीएचटी और पीईटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है कि 20 लाख के लगभग विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिसमें से 3 गुना यानी कि 85,000 को पास किया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा भी है 85,000 को। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दे दी है, कम समय में अधिक जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके फिजिकल पर होगी, फिजिकल में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं उस पर होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।